हाय एवरीवन, बैक टू बैक माय ट्यूब चैनल। तो गाइस, फिर भी मैं आपने जिस प्रकार का नेक्स्ट लेवल वीडियो एडिटिंग देखा, तो कुछ इस तरह का आप भी वीडियो एडिटिंग करना सीखना चाहते हैं तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो लेकर आऊँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इस प्रकार का वीडियो बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन लाइट मोशन की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आपके पास लाइट मोशन एप्लीकेशन पहले से नहीं है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो कुछ इस तरह से लाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको सबसे पहले हमारे डिस्क्रिप्शन से वीडियो के एक लिंक को इंपोर्ट करना है, फुल प्रीसेट लिंक। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे प्लस के राइट साइड प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिएगा तो लिंक यहाँ पर शो करने लगेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह इंटरफेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इधर आपको जहाँ देख सकते हैं हरा बॉक्स दिख रहा है, तो जितना भी हरा बॉक्स दिख रहा है और ग्रुप लिखा हुआ है उस सब में आपको सबसे पहले इमेज को ऐड करना है। तो इमेज को कैसे ऐड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको नीचे यहाँ जो हरा दिख रहा है PNG, इस पर आपको क्लिक करना होगा, कलर एंड फिल पर क्लिक करना है, और जिस फोटो का आप वीडियो बनाना चाहते हैं उस फोटो फोल्डर को आपको चूज कर लेना है। यहाँ पर आपको इमेज को सिलेक्ट कर देना है और ऊपर प्लस पे टाइप कर देना है तो इमेज ऐड हो जाएगा। तो देख पा रहे होंगे आप ये अच्छा से इमेज का जो नहीं दिख रहा है, नीचे वाला जो हम लोग ऐड किए हैं कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसको पे क्लिक करना है, मोड ट्रांसफर में जाना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको कुछ इस तरह से इमेज को सही तरीका से ऐड कर लेना है। तो देख पा रहे होंगे कितना अच्छा से इमेज यहाँ पर ऐड हो चुका है, फेस भी क्लियर दिख रहा है नीचे वाला का। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ जो ग्रुप लिखा हुआ है इस पर भी क्लिक करना है, एडिट ग्रुप में जाना है, सेम तरीका से यहाँ भी हरा इमेज पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल में जाना है और यहाँ से आपको दूसरा इमेज को सिलेक्ट कर लेना है और ऊपर प्लस में फिर से टाइप कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से इमेज ऐड हो जाएगा, फिर बैक चले जाना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से जो हमारा फर्स्ट था बीट में वो कुछ इस प्रकार से बन चुका है। फिर से हरा बॉक्स पे क्लिक करना है, कलर फिल में जाना है, फिर स्टार वाला पे क्लिक करना है, फिर दूसरा फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, फिर प्लस पे टाइप कर देना है। तो देख सकते हैं मेरा इमेज यहाँ सही तरीका से सेट हो चुका है। तो हमें किसी प्रकार से यहाँ फोटो को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको अगला बीट पर चले जाना है, फिर यहाँ पर भी ऐड करना है। तो सेम तरीका से आपको शुरू से एंड तक ऐड कर लेना है इमेज को। तो मैं जल्दी से ये प्रोसेस को पूरा कर लेता हूँ। तो दोस्तों, फाइनली मैंने देख सकते हैं शुरू से एंड तक जितना भी इमेज को ऐड करना था सबको मैंने यहाँ अच्छी तरह से ऐड कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिरिक्स को ऐड करना होगा वीडियो में। तो उसके लिए आपको आगे चले जाना है, हमें लिरिक्स का पहले से एक यहाँ जो प्रोजेक्ट था बना दिए हैं, तो इस पर आपको क्लिक करना है, लिरिक टेक्स्ट पर जाना है और यहाँ जो लिरिक्स है इसको हटा देना है और सॉन्ग का जो बोल है उसको आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। तो आपको लिरिक्स नोट टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ सबको बैक चले जाना है और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और लाइट मोशन एप्लीकेशन पे चले जाना है और आपको यहाँ से पेस्ट कर देना है। देख पा रहे हैं कितना अच्छा तरह से यहाँ पर लिरिक्स एड हो चुका है। फिर इस पर आपको क्लिक करके लिरिक्स को यहाँ से कॉपी लेयर कर लेना है और अगला बीट पे चले जाना है और जब से यहाँ पर डबल बीट है उतना ही तक आपको लिरिक्स को रखना है। फिर यहाँ से आपको क्लिक करना है, पेस्ट कर देना है। देख सकते हैं यहाँ सिंगल बीट है, तो यहाँ देख सकते हैं डबल बीट है। तो इस पर क्लिक करना है लिरिक्स पर और टाइमर वाला पर चले के आपको यहाँ से सही से ऐड कर देना है। फिर आपको एडिट टेक्स्ट पर जाना है, फिर यहाँ से सॉन्ग के बोल को हटा देना है
और यहाँ पर अगला जो सॉन्ग है उसको फिर से कॉपी करके आपको पेस्ट कर देना है। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से आपको वीडियो में लिरिक्स को लिखते हुए जाना है ऐड करते। तो मैं जल्दी से जितना लिरिक्स है सबको ऐड कर लेता। तो दोस्तों फाइनली मैंने जितना लिरिक्स है सबको स्टार्ट से एंड तक लिख दिए हैं कुछ इस तरह से, और हमारा वीडियो कुछ इस प्रकार से बन के हो चुका है तैयार। तो वीडियो को इसके बाद आपको सेव करना है, तो ऊपर मेरे को निशान पर क्लिक करना है, और आपको जिस रेशियो में वीडियो सेव करना अच्छा लगता है उसे सेलेक्ट कर लेना है और नीचे एक्सपोर्ट पे टाइप कर देना है। तो यहाँ से वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर आपको 100% तक वेट कर लेना है। उसके बाद सेव का ऑप्शन आएगा और सेव पे क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट वीडियो आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और इस तरह का और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।